नमस्कार, आप देख रहे हैं राधौर की आवाज नवदेश टाइम। पेश है आज की मुख्य समाचार। परीक्षा परिणामों की खुशी में बच्चों ने केक काटकर मनाया जश्न। दून पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने परीक्षा परिणामों में मनाया अपना लोहा। इंकलाब मंदिर में मनाया गया शहीद चंद्रशेखर आजाद का जन्म दिवस। युवा ब्राह्मण सभा ने शहीद पंडित चंद्रशेखर आजाद को किया याद। जुब्बल में 5 दिवसीय योग प्रशिक्षण शिविर हुआ संपन्न। अब खबरें विस्तार से। महाराजा अग्रसेन सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल गुमथला राव में CBSE के घोषित किए गए 10वीं व 12वीं के परीक्षा परिणामों को लेकर बच्चों में काफी उत्साह नजर आया। बच्चों ने अपनी सफलता का श्रेय अध्यापक कण को दिया। इस मौके पर बच्चों ने केक काटकर खुशियां मनाई। स्कूल प्रबंधक डॉक्टर सुदेश बंसल ने कहा कि स्कूल व अध्यापकों का हमेशा यही उद्देश्य रहा है कि वह छात्रों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध करवा उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। दून पब्लिक स्कूल बुबका के विद्यार्थियों ने इस वर्ष भी CBSE द्वारा घोषित किए गए सीनियर सेकेंडरी व सेकेंडरी परीक्षा के परिणामों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। सीनियर सेकेंडरी परीक्षा परिणामों में कॉमर्स संकाय की विद्यार्थी एसलिन कौर तथा गीतिका रानी ने मेरिट में स्थान प्राप्त किया। इसके साथ ही विज्ञान संकाय में गुरुप्रीत कौर व भव्य सैनी ने प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त किया। सेकेंडरी परीक्षा परिणाम में निष्ठा इसीता हितासी पारुदत्ता तथा हर्ष काम्बोज ने बोर्ड द्वारा घोषित परिणामों में मेरिट में स्थान प्राप्त किया। विद्यालय की प्रिंसिपल रेखा काम्बोज ने विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए जीवन में कठिन परिश्रम कर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। इंकलाब मंदिर गुमथला राव में शहीद चंद्रशेखर आजाद का जन्मदिवस मनाया गया। मंदिर संस्थापक एडवोकेट वर्याम सिंह ने शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर कहा कि चंद्रशेखर आजाद का नाम आज स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। देश की आजादी के लिए उन्होंने जो बलिदान दिया था उसी से देश की आजादी की कहानी लिखी गई थी। युवा ब्राह्मण सभा राधौर द्वारा ब्राह्मण धर्मशाला में देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले शहीद पंडित चंद्रशेखर आजाद की जयंती पुष्पांजलि देकर मनाई गई। युवा ब्राह्मण सभा के प्रधान सुमित पंडित ने कहा कि अगर आज हम सब गुलामी की जंजीरों से आजाद हुए हैं उसमें चंद्रशेखर आजाद जी का भी बड़ा योगदान रहा है। हमें उनसे शिक्षा लेकर राष्ट्र के लिए त्याग की भावना को जगाना होगा और देश की प्रगति में कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। पतंजलि योग समिति व भारत स्वाभिमान ट्रस्ट शाखा राधौर द्वारा गांव जुब्बल में मधुमेह व मोटापा प्रबंधन के अभ्यास हेतु आयोजित 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का समापन समारोह बड़ी ही धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। पतंजलि योग समिति के तहसील प्रभारी व हरियाणा योग आयोग के जिला कार्यकारिणी सदस्य अमित काम्बोज की देखरेख में आयोजित इस 5 दिवसीय योग शिविर के समापन समारोह में 50 के लगभग योग साधकों ने भाग लेकर योग की बारीकियों को सीखा। कार्यक्रम के समापन पर महिला योग शिक्षिका सोनिया काम्बोज को जुब्बल की मुख्य योग शिक्षक नियुक्त किया गया। पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से प्रशिक्षित योग शिक्षिका सुधा काम्बोज व बाला काम्बोज ने सभी लोगों को मधुमेह के प्रबंधन के लिए योग की सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास करवाया। राधौर व आसपास की खबरों के लिए जुड़े रहे नवदेश टाइम के साथ। नमस्कार।